स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लाइक स्टॉक मार्केट में कोई भी एक रात में अमीर बन सकता है, दूसरा मेरे एक्स वाई जेड किसी दोस्त ने स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट से नया घर ले लिया, या मेरे किसी दोस्त ने स्टॉक मार्केट में अपना सारा पैसा गंवा दिया। अब ये बातें फैक्ट्स हैं या मिथ्स, इन पे किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो है पांच ऐसी गलतियाँ जो बहुत सारे स्टॉक मार्केट बिगनर्स जो स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना वो करते हैं। और अगर आपने आज तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया हो और आप ये वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो आप मेरी इन पांच गलतियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप गलती करके अपने पैसे गंवा कर ही सीखें, किसी और की गलतियों से भी आप सीख सकते हैं। तो जानते हैं मैंने कितना गवाया और मैंने क्या सीखा। हेलो गाइस, दिस इज रजनीश एंड वेलकम बैक टू योर चैनल टॉकिंग स्टॉक्स। सबसे पहली गलती जो बहुत सारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स करते हैं वो करते हैं बाइंग ऑफ पेनी स्टॉक्स। तो स्टार्ट में जो इन्वेस्टर आता है वो क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि एक 10 रुपये का स्टॉक है, अगर वो स्टॉक 5 रुपये बढ़ जाता है और मैं उसकी 1,000 क्वांटिटी बाय कर लेता हूँ तो मुझे 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये 5 रुपये बढ़ना अगर आप टेक्निकली मैथमेटिकली देखें तो एक 10 रुपये का शेयर 5 रुपये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो स्टॉक 50% राइज किया है। और अगर कोई स्टॉक 50% राइज कर रहा है तो इसका मतलब पूरी दुनिया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो दूसरा जो इसका डाउन साइड है वो ये है कि अगर 10 रुपये का शेयर आप 5 रुपये उठ सकता है ये मान सकते हैं, तो 10 रुपये का शेयर 5 रुपये गिर भी सकता है और आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। अब कोई भी एक 10 रुपये का दिखने वाला शेयर सस्ता नहीं हो सकता और एक 1,500 रुपये दिखने वाला शेयर महंगा नहीं हो सकता, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मार्केट क्या है। तो आप जब भी किसी पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो जान लें कि वो पैनी स्टॉक अभी इस रेट पे मिल क्यों रहा है। बहुत सारे पैनी स्टॉक्स हैं जिनका नाम हमेशा आप सुनते रहते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स के फेवरेट स्टॉक होते हैं, फॉर एग्जांपल सुजलॉन पावर, आर पावर, आर कॉम, यस बैंक, वोडाफोन आइडिया। यस बैंक में तो इवन मैंने 70,000 रुपीज़ गंवाए हैं, तब जाके मैंने ये बात सीखी कि पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप सब कुछ जान लें उसके बारे में और आप अपने लॉसेस को कट कर सकते हैं बाय नोइंग अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ अ कंपनी एंड पुटिंग प्रॉपर स्टॉप लॉस। सेकेंड थिंग, बाइंग इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पेड कॉल्स। पेड कॉल्स वो होते हैं, कई सारे चैनल्स होते हैं इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे जो आपको बताते हैं कि ये शेयर को यहाँ खरीद दो, यहाँ बेच दो और आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन कभी आप ध्यान दीजिएगा तो अगर ये लोग आपको बता रहे हैं तो ये लोग खुद कितना कमा सकते हैं। बेसिकली ये लोग मोस्टली लोग खुद नहीं कमाते हैं शेयर मार्केट से, खुद आपको मेंबरशिप बेच के ही कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग यही करते हैं, काफ़ी अच्छे लोग भी कॉल्स देते हैं, लेकिन 10 में से 8 कॉल्स भी अगर किसी बंदे की सही गई और 2 कॉल्स जो खराब हुई वही आपका पूरा कैपिटल डुबाने के लिए काफ़ी होती है। तो हमेशा किसी के सजेशन पे बाइंग करने से अच्छा खुद सीख के बाइंग करो, खुद एनालाइज करो। इसका फ़ायदा ये भी होता है कि आपको सीखने को भी मिलता है और आप एक बार गवाते हैं तो आप अगली बार वो गलतियां नहीं करते हैं और साथ में आप अपने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन अगर पेड कॉल्स में आपको किस्मत का और उस बंदे की किस्मत का दोनों का इंतज़ार करना पड़ता है कि काश वो जो कॉल दे वो आपकी डायरेक्शन में चला जाए और आप अपना लॉस रिकवर कर पाएं। तीसरी गलती, इन्वेस्टिंग इन डेरिवेटिव मार्केट। हम जो नॉर्मल शेयर बाय सेल करते हैं वो कैश सेगमेंट यानी इक्विटी मार्केट में आता है, लेकिन डेरिवेटिव, इनके जो डेरिवेटिव मार्केट्स होते हैं उसमें कॉल पुट ऑप्शंस और फ्यूचर बाइंग सेलिंग होती है। अब फ्यूचर बाइंग सेलिंग देखने में बहुत लगता है कि ये आपको रातों रात अमीर बना सकता है। अब बेसिकली जो नए लोग आते हैं, जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे जाते हैं, गलती से कभी निफ्टी सर्च कर रहे होते हैं और निफ्टी की कोई कॉल दिख जाती है और एट द डे अगर वो 15,000 की निफ्टी की कॉल है और वो 100% अप है, तो इसका मतलब लोग सोचते हैं कि यार ये तो एक दिन में ही डबल हो गया पैसा, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। और ऐसे में इन्वेस्टमेंट करते वक्त बिल्कुल लक बेसिस पे पैसा लगा देते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि जो चीज़ आज 100% बढ़ी है वही चीज़ आज 100% गिर भी सकती है, तो आपका पैसा बिल्कुल ज़ीरो भी हो सकता है। मैंने भी ऑप्शन ट्रेडिंग के स्टार्ट में फर्स्ट डे में ही 10,000 रुपीज़ कमाया था और मुझे भी पूरा कॉन्फिडेंस था, लेकिन मुझे काफ़ी बेसिक चीज़ें नहीं पता थी, लाइक एज इन द मनी आउट ऑफ मनी, कि
कि अगर मेरा जो शेयर है वो उस रेट तक नहीं गिरा तो मेरा सारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ दो अगली दो ट्रेड में वो पूरे 10,000 रुपये गंवा दिए थे। चौथी चीज़, रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है, इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल से सिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने आज एक शेयर बाय करा और आज के दिन में मुझे 1500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब मैं उसी दिन सोचूंगा ये 1500 अगर 3000 हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। मैंने एक और ट्रेड किया, अब मेरा जो 1500 का प्रॉफिट था वो गिर गया और मुझे 1500 का प्रॉफिट अब 1500 का लॉस शो करने लग गया और मैंने वो लॉस बुक कर लिया फाइनली। अब मेरा टोटल लॉस आज के दिन का 1500 रुपये हो गया। अब मेरे दिमाग में बात चल रही है बस यार कैसे भी करके ये जो लॉसेज हैं आज वाले 1500 के वो रिकवर हो जाएं, बाकी फिर आगे इस स्टॉक में या यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा मैं। और ऐसे में आप रिवेंज की तरह से ट्रेड करने लगते हैं और ये 1500 का लॉस आपका बढ़ता हुआ चला जाता है और एक ही दिन में आप बहुत पैसा गंवा देते हैं। तो स्टॉक मार्केट स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट से बना है, आप एक ही दिन में अमीर बनने की लालच में मत आएं। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। छोटा छोटा जो प्रॉफिट है वही आपको अमीर बना सकता है। स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। फिफ्थ पॉइंट, बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं बिगनर्स, उनमें जो होता है वो पेशेंस नहीं होता है। वो स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आपने 10,000 के शेयर खरीदे, आपको 300 का प्रॉफिट दिखा रहा है, आपने फटाफट प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन वही अगर 10,000 के शेयर खरीदे और उसमें 300 का लॉस शो करने लग गया तो आप सोचेंगे कि अब यार ये लॉस एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, जितने पे मैंने बाइंग करी थी वहाँ आ जाए, मैं एग्जिट कर दूंगा। ऐसे में आप अपना लॉस बढ़ाते जाते हैं, स्टॉप लॉस। कई लोग तो स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते हैं, और जो लगाते हैं नए लोगों के, वैसे तो डिक्शनरी में स्टॉप लॉस बहुत कम के ही होता है, लेकिन कई लोग जो स्टॉप लॉस लगाते हैं जैसे ही वो इनका स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता है तो उसे मैनिपुलेट करके पीछे खींच लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई शेयर 10 रुपये का है और आज आप उस पर 10% गंवा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कल अगर आप उस पर 10% कमा लेंगे उस शेयर पे तो आप जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस में चले जाएंगे। मान लीजिए एक शेयर 10 रुपये का है और आज आपको उसके 10% का लॉस हो गया तो उस शेयर की 9 रुपये वैल्यू रह गई। अब उसे 10 रुपये तक पहुंचाने के लिए आपको 11% का प्रॉफिट करना पड़ेगा और प्लस जो एडिशनल ब्रोकरेज चार्जेस, डीपी चार्ज ये सब होता है ये भी पे करना पड़ेगा। तो हमेशा कभी भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कभी भी आप ये गलती कर रहे हो तो ये गलती ना करें, समझ के इन्वेस्ट करें। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने गलती करी होगी, आप ये भी बता सकते हैं कि आप में से और क्या क्या गलती लोगों ने करी है और जो गलतियां मैंने करी हैं उनमें से कौन कौन सी आपने गलती करी है ये कमेंट कर सकते हैं। ज़ीरोधा के जो फाउंडर हैं नितिन कामत जी, उनका ऐसा मानना है कि 99% लोग बैंक FD से भी कम रेट जनरेट कर पाते हैं शेयर मार्केट में। तो अगर आपको शेयर मार्केट के उन 1% लोगों में रहना है जो शेयर मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हम वहाँ पे प्रॉपर रेगुलर कंटेंट डालते हैं। थैंक यू।